हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद करें कुछ टर्म्स ऑफ बायोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टर्म्स एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए हम इनको याद करा रहे हैं। इनमें हमारा पहला टर्म है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी और इसका होता है ये स्टडी ऑफ एजिंग। जेरेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एजिंग। इसे हम याद करेंगे सिंपली झुर्री से। तो आप जानते हैं झुर्रियां कब आती है? झुर्रियां आती है जब इंसान का एज बढ़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है उस तरह से झुर्रियां आती जाती है। तो एज का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? झुर्री से। एज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे झुर्रियां भी बढ़ेंगी। एज का रिलेशन है किससे? झुर्री से। तो हम इसे जेरेंटोलॉजी नहीं झुरंटोलॉजी याद कर लेंगे। क्या? झुरंटोलॉजी। झुरंटोलॉजी याद करने पर हम आसानी से याद क्या याद हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी, एजिंग झुर्री, और झुर्री झुरंटोलॉजी। क्या? झुरंटोलॉजी। झुरंटोलॉजी जेरेंटोलॉजी, हमें जेरेंटोलॉजी आसानी से याद हो जाएगा जब हम झुरंटोलॉजी याद कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट गायनेकोलॉजी। यह होता है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहां पर गायने, गायने का मतलब होता है रिलेटेड टू फीमेल्स या फिर स्त्री से संबंधित। और गायनेकोलॉजिस्ट आप जानते ही होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो यहां पर हम इसी से याद कर लेंगे गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसे हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। यहां देखिए गाय, गायनेकोलॉजी, गाय। गाय क्या है? एक फीमेल है। गाय क्या है? फीमेल है। और उसी से याद कर लेंगे हम गायनेकोलॉजी स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक हमने बनाया है, आइए उसे देखते हैं, उसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। एक आदमी था जो कि काफी अड़ियल, गुस्सैल और संकी टाइप का आदमी था। तो वो एक बार गया कहां? गार्डन में। और गार्डन में क्या थे? फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर। यहाँ देखिए आप गार्डन देख सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है बहुत सारे। यहाँ हमने छोटा सा गार्डन बनाया है। यहाँ जब ये गार्डन में आया तो गार्डनर इसे फूल दिखाने लगा, बोला क्या ये सर देखिए फूल देखिए। तो वो कोई भी फूल देखता, मान लीजिए उसने ये फूल देखे, इस फूल को देखा और क्या कर रहा था? थू, यही फूल है, थू यही फूल है, थू यही फ्लावर है, थू यही फ्लावर है, ऐसा करने लगा। तो किसी को भी बुरा लगा तो गार्डनर को बुरा लगा, तो उसने दूसरा फूल दिखाया उसे। तो दूसरा फ्लावर को देखकर भी उसने ऐसा ही किया, थू यही फ्लावर है, थू यही फ्लावर है, थू यही फ्लावर है, कितना बेकार फ्लावर है, थू यही फ्लावर है, इस तरह से किया। फिर उसने दूसरा फ्लावर दिखाया, तो फिर उसने किया, थू यही फ्लावर है, थू यही फ्लावर है, ऐसे उसने बार बार किए। जितने भी फूल देखे सभी फूल पर उसने क्या किए? थू यही फ्लावर है, थू यही फ्लावर है। तो आखिर में गार्डनर काफी गुस्सा हो गया और उसने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और उस आदमी की काफी धुनाई की, पिटाई की, और क्या कहा? थू यही आदमी है, थू यही आदमी है। तो यहां पर हम इसे याद कर सकते हैं थू से, थू एंथोलॉजी। क्या? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी रिलेटेड फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो किस चीज पर थू कर रहा था? फ्लावर्स पर कर रहा था और फ्लावरिंग प्लांट्स पर कर रहा था। इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसको आसानी से याद कर सकते हैं हम एंट से, ई एन टी, एंट, ई एन टी नहीं, हम ए एन टी इसे पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंट, शुरू में एंट आ रहा है ना, उसी से हम याद कर लेंगे। क्या? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंट क्या है? एक इंसेक्ट है। एंट क्या है? एक इंसेक्ट है, उसी से हम याद कर लेंगे। क्या? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसके बाद हमारा लास्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी नोइंग एज ऑफ प्लांट बाय एनुअल रिंग। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में प्लांट्स के तने पर जितने भी रिंग्स होते हैं उससे फाइंड किया जाता है उस प्लांट का एज। मतलब कि हर वर्ष
प्लांट के तने में एक रिंग बनता है, जितने रिंग हो उतना उस प्लांट का एज हो। इस तरह से डेंड्रोक्लोरोलॉजी में प्लांट का एज फाइंड किया जाता है उसके एनुअल रिंग्स को देखकर। और जो डेंड्रो था, डेंड्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू प्लांट्स, और क्रोनोलॉजी तो आप जानते ही होंगे, क्रोनो मतलब टाइम और क्रोनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टाइम। तो इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, नोइंग एज ऑफ प्लांट बाय एनुअल रिंग, एज ऑफ प्लांट बाय एनुअल रिंग। आपने क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा क्योंकि हिस्ट्री में ये वर्ड काफी यूज किया जाता है। तो हिस्ट्री में आप जानते ही होंगे कि समय के अनुसार क्या कहते हैं राजाओं को देखना, वही हो गया क्रोनोलॉजी, या फिर राजाओं को रखना, वो हो गया क्रोनोलॉजी। और यहाँ पर डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो गया नोइंग एज ऑफ प्लांट बाय सीइंग द एनुअल रिंग। यहाँ तने में जितने भी एनुअल रिंग हुए उनको देखकर, उनकी गिनती करके उन प्लांट का एज निकाला जाता है। ये था हमारा वीडियो कुछ टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।